आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मीमी कॉम्पैक्ट 3-in-1 स्टीम स्टेबलाइजर एंड बॉटल वार्मर। तो सबसे पहले हम इसके सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। ये फूड ग्रेड पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक का बना हुआ है। मेन यूनिट, लिड, बास्केट, कंटेनर, ये सारे इसके पार्ट्स। इसमें तीन प्रोसेस किए जा सकते हैं, बॉटल्स, फीडिंग बॉटल्स एंड एसेसरीज स्टरलाइज करना, मिल्क वार्म करना और फूड वार्म करना। तो एक एक करके हम सारे प्रोसेस को समझेंगे कि उन सारे प्रोसेस को इसमें कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है स्टरलाइज करना, जिसमें कि हम फीडिंग बॉटल स्टरलाइज करने जा रहे हैं। स्टरलाइज करने का मेन मकसद होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को टोटली बैक्टीरिया फ्री करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया फ्री होने से वो पूरी तरह से हाइजीन हो जाएगी और हम उसे सेफली बच्चे के लिए, बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है स्टरलाइज करना। स्टरलाइज करने के लिए इस मेजरिंग कप, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कंटेनर में मेजरमेंट बना हुआ है। इससे हम पानी के लेवल को मेजर कर सकते हैं। इस मेजरिंग कप से नाप कर 50 ml पानी हमें इस बेस में डालना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इन होल से पानी अंदर चला जाएगा, जिसके नीचे एक हीटिंग प्लेट है। स्टरलाइज करने के लिए इस बास्केट को हमें इस पोजीशन में इसके अंदर रखना होता है। इस पोजीशन में रखने के बाद इसमें हम बॉटल्स को उल्टा करके रख देंगे। बीच में जो भी इसकी एसेसरीज है उनको रख देंगे। अगर हम दो बॉटल एक साथ करना चाहें तो दूसरी बॉटल साइड में आ जाएगी। इसमें एक साथ अप टू 2 बॉटल्स तक स्टरलाइज किया जा सकता है। लिड से कवर कर देंगे। लिड से कवर करने के बाद अब इस नॉब को आप देख रहे हैं, इस नॉब में इस डॉट को हमें लास्ट वाली पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा, जहां देख सकते हैं 3 लाइंस बनी हुई हैं। ये स्टरलाइज करने के लिए है। जब हमने नॉब को इस पोजीशन में ले आएंगे तो ये रेड कलर की लाइट जलने लगेगी, स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मिनट्स बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट होने के तुरंत बाद हमें इस लिड को ओपन नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर गर्म स्टीम भरी है वो हमारे हाथ को जला सकती है। 4-5 मिनट्स बाद हम इसको ओपन करेंगे, तब तक सारी स्टीम इन होल से बाहर निकल जाएगी। अब हमारी बॉटल रेडी है यूज करने के लिए। इसी तरह कोई भी एसेसरीज हो, स्पून, बाउल, पैसिफायर, ये सारी चीजें इसी प्रोसेस से स्टरलाइज की जाएंगी। सेकेंड प्रोसेस है मिल्क वार्म करना। मिल्क वार्म करने के लिए इस बास्केट को हमें इस पोजीशन में अंदर रखना होता है। बास्केट अंदर रखने के बाद हमने बॉटल में मिल्क ले लिया, इसे हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। जितना भी लेवल मिल्क का है उसका हाफ लेवल हम इसके अंदर पानी भर देंगे। यानी कि अगर मिल्क हमारा यहां 100 ml तक दिखाई दे रहा है तो पानी हमारा 50 ml तक होना चाहिए। हीटिंग प्लेट पहले पानी को गर्म करेगी, पानी इसके अंदर की लिक्विड को गर्म करेगा। इसके साथ साथ एक चीज और आप देख सकते हैं, इसमें एक लाइनिंग बनाई हुई है मैक्स की, यानी कि पानी का लेवल इससे कभी भी ऊपर नहीं आना चाहिए। ये लास्ट लेवल है वाटर का, फिर चाहे मिल्क बॉटल में चाहे जितना हो। मिल्क के साथ बॉटल रखने के बाद हम इसके कवर को लगा देंगे। अगर हम छोटी बॉटल यूज कर रहे हैं तो ये फ्लिप बंद रहेगा, अगर हम बड़ी बॉटल यूज कर रहे हैं तो ये फ्लिप इस टाइप से ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें इस नॉब को, इसकी डॉट को घुमाकर इस बॉटल वाले सिंबल के सामने लाना होगा, जो कि इसके मिल्क गर्म करने के लिए है। उसी के जस्ट बगल में एक और सिंबल दिया है जो रैपिड हीट के लिए है, यानी कि अगर जल्दी आपको मिल्क गर्म करना है तो हम अगली वाली पोजीशन पर ले जाएंगे नॉब को। रेड लाइट जलने लगेगी, मिल्क गर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मिनट्स बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, एक बार बॉटल को शेक करेंगे जिससे कि सारा लिक्विड का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। उल्टे हाथ पे से एक बार चेक करेंगे कुछ ड्रॉप्स डालकर कि बेबी का मिल्क ज्यादा गर्म तो नहीं है, अगर ठीक है तो हम बेबी को फीड करने को दे देंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस था मिल्क गर्म करने का।
अब हम तीसरा प्रोसेस देखेंगे फूड गर्म करने का। फूड गर्म करने के लिए इस बास्केट को हमें अगेन इसी पोजीशन में लगाना है। फूड रखने के लिए एक कंटेनर दिया हुआ है, इसमें हम बेबी का फूड को रख लेंगे और लिड से कवर कर देंगे। अगर हमने एक कंटेनर रखा है तब हम इसके अंदर 400 ml वाटर डालेंगे। अगर हमने एक और ऐसे ही कंटेनर दूसरा रखा हुआ है, अगर दो कंटेनर हैं, तब 500 ml वाटर इसके अंदर डाला जाएगा। इसके बाद हम इसे लिड से कवर कर देंगे। अब इस नॉब की पोजीशन इस बाउल वाले सिंबल के सामने आएगी, ये फूड हीट करने के लिए है। रेड लाइट जलने लगेगी, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऑटो कट हो जाएगा। अब हम अपने फूड के कंटेनर को निकाल सकते हैं, एक बार इसका खाने को मिक्स कर लेंगे जिससे टेम्परेचर एक जैसा हो जाए और उसका बेबी को फीड करा देंगे। तो ये इसके तीनों प्रोसेस थे, स्टरलाइज करना, मिल्क वार्म करना और फूड वार्म करना। इसके साथ साथ एक चीज और भी आपको ध्यान देने की चीज है, इसके नीचे हीटिंग प्लेट है, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ टाइम रेगुलर यूज करने के बाद उस हीटिंग प्लेट पे एक लाइम इसके लेयर जम जाती है जो कि हीट को ऊपर नहीं आने देती और स्टरलाइजर काम करना बंद कर देता है। उस हीटिंग प्लेट को क्लीन करने के लिए आप विनेगर और वाटर का यूज कर सकते हैं 3:1 के रेशो में, यानी 3 parts विनेगर एंड 1 part वाटर मिक्स करके हम इसके अंदर डाल देंगे। 5 minutes के लिए स्टरलाइजर को ऑन कर देंगे, उसके बाद हम स्विच ऑफ कर देंगे। 30-40 minutes के लिए उस सॉल्यूशन को हम इसके अंदर छोड़ देंगे, उसके बाद 2-3 बार पानी डाल के हम इसको वॉश कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको नल के नीचे ले जाकर मत धुलिएगा, क्योंकि अगर पानी पीछे की साइड से अंदर चला जाएगा तो इसकी मोटर खराब हो जाएगी। इस तरह से आप इसको इजिली क्लीन कर सकते हैं। मिमी कॉम्पैक्ट 3-in-1 स्टीम स्टरलाइजर एंड बॉटल वार्मर में 24 months की वारंटी है और इसके साथ डिस्पोजेबल ब्रश पैड फ्री आता है। थैंक यू।